जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जवान आदमी बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करता है तो हस्त मैथुन से बचने का उपाय क्या होता है। देखिए हस्त मैथुन करना कोई गलत चीज़ नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा करना गलत होता है। हस्त मैथुन करना देखिए आज से नहीं परंपरा चला रहा, इस सदियों का परंपरा है कि लोग क्या करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं। लेकिन जो हस्त मैथुन होता है ना बाबू, एक बीमारी नहीं होता। ये मत समझिए कि जो लोग हस्त मैथुन करते हैं ये कोनो बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं होता। लेकिन आदमी ससुर ऐसा जाती है ना, उसको बीमारी बना देता है। कैसे बनाता है थोड़ा समझिए। देखिए हाई दूठ क्या बाबू, तो टेस्टिस है, यानी टेस्टिस का संख्या कितना होता है, दूठ हो रहा होता है। इसी में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। क्या बनता है, इसी में स्पर्म बनता है। अब देखिए स्पर्म इसमें बन के क्या करेगा, कोनो रास्ता होना चाहिए ना स्पर्म को जाने के लिए। तो देखिए दूठ वाला रास्ता होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, तो बेस्ट डिफरेंस नस बोला जाता है। देखिए एठो हेरियन से गई है, एठो हेरियन से गई है, तो स्पर्म इसी के रास्ते से जाता है। और ये कहाँ जाता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाता है, और वहीं से क्या होता है, तो पेनिस होता है। तो कहाँ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, एक फाटक की तरह होता है, समझिए। है क्या बाबू, यहाँ से क्या होता है, यूरिन यानी पेशाब जाता है, और टेस्टिस से क्या जाता है, तो स्पर्म हो जाता है। आप समझिए कि स्पर्म जा रहा है और यहाँ से यूरिन जा रहा है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, यही क्या करता है, पारी पारी करके इन लोगों को निकालने का काम करता है। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन कर दीजिएगा ना, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये कहता है दा तेरी आदमी का, ये ससुर अब हम ना ये काम करेंगे। एक क्या काम है, ये दिन रात ससुर हस्त मैथुन करता है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और जैसे दिक्कत हो जाता ना, तो आदमी को एक बीमारी हो जाता है। कौन सा बीमारी हो जाता है, तो प्रोस्टेट कैंसर नाम का आदमी को क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है। देखिए बीमारी नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप करेंगे ना, तो बीमारी हो जाता है, इनिसवा जाता है। बट तेरिए एकदम यह करता है, इस पूरा दिन रात एक के काम पाया है, तो इसको क्या होता है, गड़बड़ी हो जाता है, तब आदमी को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में थोड़ा सा फुसरीन कर गया, अब बस फुसरिए तो है, अब उसको थोड़ा सा दबाइएगा, दबा को छोड़ दीजिएगा, तो पता चलेगा 2-3 दिन के बाद अंदर अंदर गांठ बन जाएगा, तब फूका बन जाएगा। कहीं गरीब बाबा तो फूका बन गया, फिर उसको धाई 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 दे खिचा खिचा के दाब दीजिएगा, पता चलेगा कि अंदर अंदर से उसका कैंसर बना लिया, समझ जाएगा। तो बीमारी न होते हुए भी आदमी क्या करता है, बीमारी को बना देता है। देखिए जब बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं ना, तो प्रोस्टेट कैंसर में जब दिक्कत हो जाता है, तो आदमी क्या हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, समझ में गया। और यहीं से क्या होता है, पेनिस होता है, तो यूरिन और स्पर्म को क्या करते हैं, बाहर करने का काम करता है। इस फाटक की तरह होता है, उठता है बैठता है, उठता है बैठता है, समझ में गया, इतना आपको समझ में गया। अब एक चीज़ देखिए क्या होता है, मेस्ट्रोबेशन। मेस्ट्रोबेशन का काम क्या होता है, देखिए बिना सेक्स के सेक्स को फीलिंग करना, यानी जो लोग बिना सेक्स के सेक्स का फीलिंग करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, तो मेस्ट्रोबेशन बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि उपाय क्या होते हैं, जो लोग हस्त मैथुन करते हैं बचने का उपाय होना चाहिए ना, उसके विषय में समझते हैं। देखिए पहला काम क्या करना है, मन को शांत रखें। अगर आप अपने मन को शांत रखिएगा ना, तो आप गलत काम करवा नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं, कोई डॉक्टर कहता है तेरी हम छुड़ाएंगे, समझिए झूठ बोल रहा है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपके हस्त मैथुन को नहीं छुड़वा सकता है, बस छुड़वा सकता है कौन, आप छुड़वा सकते हैं। खुद अगर आप चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। कहा जाता ना कि ठान लो तो जीत, मान लो तो हार। अगर कोई भी काम करने के लिए अगर आप ठान लेते हो, आप जीत लोगे। अगर मान लेते हो पहले से हार, देखिए अब हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो आप वैसे ही हार जाओगे। अगर आपका मन अगर शांत है, तो कोई भी चीज़ आप आसानी से छोड़ सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, तो आप अपने मन को शांत रखें, समझ में गया। अगर आप अपने मन को शांत रखते हैं, तो हर चीज़ आप छोड़ सकते हैं। देखिए जो मन होता है ना, इसी तरह दो तरह का होता है। जैसे अब मान लीजिए कोई लड़की खूब जा रही है ना, खूब बढ़िया से पहन के कहिएगा, ओ तेरी के बड़ा बढ़िया लगता है, कि ससुर पहुँच जाएगी, आपका एक मन कहेगा कि चल चल, तो दूसरा कहेगा यह काम है तुम्हारा ससुर, तुम्हारी दिन भर यह काम करोगे तुम। तो मन दो तरह से काम करता है, एक कहेगा कि चल चल फंसाएंगे, भले लात मुक्का खाएंगे, वो तो आगे का बात है। लेकिन एक मन कहता है कि अगर तुम जाओगे तो बहुत मार खाओगे, दिक्कत होगा तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे भी लिए। तो जो मन हमारा सही बोलता है, हमें उसी के विषय में सोचना चाहिए। लेकिन कौन सोचा नहीं करता, कहता नहीं दस किना ढट हम हऊ वाला काम करेंगे, तो आदमी क्या होता है, जाता गलत काम भी करता है। लेकिन अगर आप अपने मन को शांत रखते हैं, तो धीरे धीरे आप उसे छोड़ सकते हैं, समझा गया। अब देखिए शांत रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए तो अच्छा किताब पढ़ें। अब अच्छा किताब भैया कौन होता है, देखिए हिंदू धर्म में क्या है, हनुमान चालीसा है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारा किताब है जो आप पढ़ के अपने मन को शांत रख सकते हैं। उसी तरह से हर धर्म में क्या होता है, एक किताब होता है जो पढ़ के आप मन को शांत रख सकते हैं, समझ में गया। अगला देखिए अच्छा सोच रख,
रखें। अगर आप अच्छा सोचबा नहीं रखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। कहा जाता ना, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। अगर आप गलत सोचते हैं तो आप गलत बन जाइएगा, और बढ़िया सोचते हैं तो आप बढ़िया बन जाइएगा। तो हमें क्या करना है, अच्छा सोच रखना है, धार्मिक चीज़ों को देखना है। धार्मिक चीज़ का मतलब क्या होता है, तो जो भी भक्ति उक्ति चीज़ होता है, गाना सुनिए, पिक्चर देखिए, थोड़ा भक्ति सोचिए, धार्मिक चीज़ों को आप देखिए, आपका मन क्या होगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। पूजा करिए, कीर्तन करिए, भजन करिए, सुबह में उठ के नहाइए, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाता है। अब भैया आपका बात, आप करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये सब करते हैं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि जो आपका हंसू मैथुन को नहीं छोड़वा सकता। 100% आप खुद ही छोड़ देंगे। देखिए साइकोलॉजी का कहना है कि किसी भी काम को आप 21 दिन करिएगा ना, तो काम धीरे धीरे आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि हम छोड़ेंगे, तो दुनिया का कोई भी ताकत ऐसा नहीं है कि जो आपको करने पर मजबूर कर दे। तो क्या करना चाहिए, हमें मन को शांत रखना चाहिए, अच्छा किताब पढ़ना चाहिए, अच्छा सोच रखना चाहिए, और धार्मिक चीज़ों को हमें देखना चाहिए। अब देखिए अगला होता ना, अकेले में ज़्यादा न रहें। आप ही कहिएगा, हम तो अकेले सूत्रे में बड़ा मजा आता है। वह तो बाबू आपका दिक्कत हो रहा है, आप अकेले में मत रहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन का प्रयोग करते हैं ना, वो लोग अकेले रहना छोड़ दें। कहाँ छोड़ दें, देखिए 11 बजे से लेकर 1-2 बजे के बीच में ऐसा टाइम होता है, इससे सूरत शरीर शैतान का खोपड़ी जैसे लगता है। आप जितना भी अच्छा चीज़ सोचेगा ना, वो बुरा चीज़ की ओर आपको लेके जाएगा। और आदमी क्या करता है, बुरा चीज़ की ओर बहुत ज़्यादा प्रेरित भी होता है। तो अब अकेले सोचिएगा तो आप कुछ नहीं काम रहेगा, गलत तरीके कोनो काम नहीं, चलो ये तो काम कर लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे आप अकेले सोचिएगा तो आपके लिए दिक्कत होता है। आप अपने भाई के पास हो जाइए, अपने पापा के पास हो जाइए, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका बीमारी दूर भी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए अगला है, मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा ना करें। देखिए पहले जब मोबाइल नहीं था तब भी लोग क्या करते थे, हस्त मैथुन करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते थे। 15 दिन में, 1 महीने में अगर आप करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन रोज दिन भर में 4 बार करिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आजकल क्या है, मोबाइल है और 50 साइट है, जो उन पर मन करता है सब देख लेता है। अगर मोबाइल का प्रयोग आप कम करते हैं तो धीरे धीरे बीमारी भी आपको ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आदमी मरम्मत नहीं करेगा, 1 दिन में तो 4-5 घंटे एकदम दबा के मोबाइल देखता है, और जैसे रात होता है तो एकदम सोचता है, ओ तेरी अब तो हमारा टाइम आ गया। तो क्या होता है, दिक्कत होने लगता है। आप ये सब अगर काम को करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप हस्त मैथुन भी छोड़ सकते हैं। क्या करना है, तो दिमाग को शांत रखना है, बढ़िया किताब पढ़ना है, अच्छा सोच रखना है, धार्मिक चीज़ों को देखना है, और अकेले में ज़्यादा मत रहिए, और मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा मत करिए। ये सब अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आप बीमारी से दूर हो सकते हैं। समझ गया। देखिए अगर आप हस्त मैथुन ज़्यादा करते हैं ना, तो आने वाला समय में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ना ही ससुर शुद्ध से लड़के पैदा होगा, और ना ही जो आपकी पत्नी रहेगी आपके पास रहबे करेगी। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको छोड़ना है, ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।